गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी सारा नया कंटेंट ओटीटी पर रिलीज होने वाला है, कौन कौन सी नई मूवीज और शो रिलीज होने वाले हैं आने वाले दिनों पे सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास है साउथ इंडियन मूवी सिकंदा के बारे में, जो कि अब आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसकी रिलीज होने वाली है 27 अक्टूबर को, साउथ इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास यहाँ पे TVF का शो परमानेंट रूममेट्स का न्यू सीजन यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये 18 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे लोग इसका वेट कर रहे होंगे, तो आपका वेट अभी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट एक और साउथ इंडियन मूवी की अपडेट है हमारे पास यहाँ पे, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है Amazon Prime Videos की तरफ से। मार्क एंथनी मूवी आपको 13 अक्टूबर से Amazon Prime Videos पे देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इसके हिंदी लैंग्वेज के बारे में तो ये सिर्फ फिलहाल के लिए आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में जब भी इसकी हिंदी अपडेट की कोई न्यूज आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर्या का सीजन 3 भी यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से, जो कि आपको 3 नवंबर को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास है द इक्वलाइजर 3 का हिंदी अपडेट, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगी 12 अक्टूबर से। बुक माई शो के ऊपर आप इसको रेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास एक और साउथ इंडियन मूवी, जिस मूवी का नाम है बघीरा। ये मूवी अब आपको जी सिनेमा टीवी चैनल पे देखने को मिल जाएगी 19 अक्टूबर से हिंदी लैंग्वेज में रात को 9 बजे। और नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास जरा हटके जरा बचके, ये मूवी आपको जियो सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जियो सिनेमा ने अभी तक इस मूवी को किसी को भी सेल नहीं किया है, अपने पास ही रखा है। और जैसे ही उनके नए प्लान्स, जैसे ही उनके नए सब्सक्रिप्शन प्लान आ जाते हैं तो तभी वो इसको रिलीज करेंगे। और यहाँ पे एक ये अपडेट भी निकल के आ रही है, ये मूवी का अपडेट आपको इस मंथ के एंड एंड तक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है DC की न्यू मूवी मैरी लिटिल बैटमैन। ये मूवी एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है, जो की Amazon Prime Videos पे 8 अक्टूबर को आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास एक और हॉलीवुड मूवी, जिस मूवी का नाम है कैंडी केन लेन। ये मूवी अब आपको Amazon Prime Videos पे 1 दिसंबर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। ये एक कॉमेडी मूवी होने वाली है। और नेक्स्ट मूवी हमारे पास माई लव पपी। ये मूवी एक कॉमेडी फैमिली मूवी होने वाली है, जो कि बुक माई शो के ऊपर 20 अक्टूबर से आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों मूवी के OTT रिलीज के बारे में। ये मूवी आपको जियो सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी, अपडेट तो यही निकल के आ रही है, लेकिन कब देखने को मिलेगी फिलहाल के लिए ये कोई डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन फिर भी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास एक पंजाबी मूवी की, जिस मूवी का नाम है एनी हाउ मिट्टी पाओ। ये मूवी अभी तक थिएटर्स में चल रही है। और अगर बात करें इसकी OTT रिलीज के बारे में तो फिलहाल के लिए इसके OTT राइट्स Amazon Prime Videos के द्वारा खरीद लिए गए हैं, और ये मूवी अब आपको नवंबर के एंड में देखने को मिल जाएगी Amazon Prime Videos के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास द एग्जोसिस्ट बिलीवर। ये मूवी आपको VOD पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके VOD रिलीज के बारे में तो ये आपको 22 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी सबसे पहले। नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास सो एक्स। ये मूवी भी VOD पे रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस मूवी को इस मंथ के लास्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मूवी भी VOD पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो यही थी कुछ नई अपकमिंग OTT मूवीज की रिलीजिंग अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।